ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, युग युगांतर से जीवित और जागृत। ये कहानी है रामायण की। तो बॉलीवुड के इतिहास में पहली ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के सभी कलाकार एक साथ मौजूद होंगे, और ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जिसका नाम है रामायण। रामायण को हम सभी लोग बचपन से ही देखकर सुनकर और पढ़कर बड़े हुए हैं, जिसमें रावण, श्री राम और सीता माता की कहानी का वर्णन किया गया था। और अब एक बार फिर से बॉलीवुड हम सभी को रामायण से रूबरू कराने वाला है। ये फिल्म रामायण से तो बेहतरीन नहीं हो सकती, पर हाँ, ये फिल्म आदिपुरुष की तरह तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप भी आदिपुरुष फिल्म देखी है तो आप सबको भी पता होगा आदिपुरुष के सभी सीन्स में बस रामायण का मजाक ही बना था। लेकिन अब की बार रामायण फिल्म को लेकर जो खबर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म वाकई काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि रामायण फिल्म में श्री राम का रोल निभाते हुए दिखेंगे बॉलीवुड के सुपर स्टार गैंगस्टर ऋतिक रोशन, और माता सीता का रोल निभाते हुए दिखेंगी दीपिका पादुकोण। और दोस्तों, रामायण फिल्म को लेकर सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अब की बार रावण का रोल रॉकिंग स्टार यश निभाने वाले हैं। वही दोस्तों, आप सभी को बता दें, रामायण फिल्म को एक डायरेक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सभी डायरेक्टर एक साथ मिलकर बनाने वाले हैं। इसीलिए इस फिल्म का बजट 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 800 करोड़ से भी ज्यादा का है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग 2025 में चालू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी मेकर्स की तरफ से इस फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, पर हो सकता है कि इसी साल रामायण से जुड़ी कुछ अपडेट हमें देखने को मिल जाए। वैसे दोस्तों, आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताएं।